हाँ जी नमस्कार। तो अभी अपने को जो रिसेंट वेबसाइट मिली है वो एक सीए फर्म है, ठीक है, जो अपने आईटीआर वगैरह फिल करते हैं, टैक्स वगैरह भरते हैं, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस टाइप की। तो इस उन्होंने मुझे क्या दिया था, एक ये पीपीटी दी थी, इसके अंदर कंपनी का ओवरव्यू और सारी चीज़ें हैं इनके। यहाँ से अपने को इनका अबाउट अस मिल गया, विजन मिशन मिल गया, ठीक है, जो क्या क्या काम करते हैं वो सारी अपने डिटेल इन्हों इसके अंदर अपने को मिल गई हैं। ये इनके मेजर क्लाइंट्स हैं, इनके लिए काम करते हैं, ये इनके ऑफिस के एड्रेसेस हैं, जहाँ इनके ऑफिस ब्रांच है जो भी है, ठीक है। तो अब अपन ने इस डेटा को उठा के कुछ हमने इमेज वगैरह गूगल से निकाली है और वेबसाइट को बनाना स्टार्ट किया। वेबसाइट हमने अपना ये वर्डप्रेस के अंदर, जिसके अंदर कि हमने WP बेकरी पेज बिल्डर लिया है, बहुत प्यारा पेज बिल्डर है, अभी इसको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा हमने जो इसमें थीम यूज़ करी है वो ही हमने डेलवेयर की थीम यूज़ करी है। पहले एक बार आपको मोटा मोटा वेबसाइट दिखाता हूँ इस टाइप से। ये वेबसाइट अभी 100% कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि बाकी जो भी होगा जब क्लाइंट के साथ मैं इनके बाद रिव्यू करूँगा, बैठूँगा उनके साथ, तब उनको देखेंगे, ठीक है। तो ये स्लाइड है, इसके अंदर इमेज वगैरह हो सकता है आगे चल के चेंज हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर इनको कंटेंट अगर अपना कुछ चेंज करवाना होगा इस जगह पे तो वो हो जाएगा। कैसे चेंज होगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो इन्होंने यहाँ पे जो सर्विसेज आपने बताई थी कि हम स्टार्टअप बिजनेस को बिजनेस रजिस्ट्रेशन वगैरह में डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ISO रजिस्ट्रेशन वगैरह, पेरोल मैनेजमेंट, ये हम सब करते हैं, तो इनको हमने इस टाइप से लिख दिया है, ठीक है। इस पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो उसमें और डिटेल में आ जाएगी उसके बारे में, जो भी है क्या क्या काम करना होता है। कंपनी ओवरव्यू के अंदर जो इनकी डिटेल थी उसी को हमने थोड़ा सा और अच्छे से करके लिख दिया है। यहाँ पर ये जो चीज़ें हैं ये भी बदलेंगी, क्योंकि तो ये तो अगर हमने डमी डाली हुई कि यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसमें हम ब्लॉग के भी ऑप्शन डाल सकते थे, जिसके अंदर डेली अपडेट वगैरह न्यूज़ वगैरह डाल सकते थे, लेकिन क्लाइंट ने कहा कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ब्लॉग को मेंटेन कर पाएंगे आगे चल के, तो एक बार हमने वो ऑप्शन हटा दिया यहाँ से। इसके लिए जो उनके लिए ज़रूरी था हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का ऑप्शन डाल दिया है, कि मोबाइल पर अगर आप क्लिक करोगे इस पर तो जैसे क्लिक करोगे व्हाट्सएप खुल जाएगा, उनसे सीधी बात होने लग जाएगी, तो उनसे क्या लीड आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कस्टमर के एक बार डायरेक्ट फ़ोन नंबर आ जाए तो हम उनको बार बार कांटेक्ट करके या बात करके कन्वर्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक अभी इनकी तरफ से मुझे मिले नहीं है, तो ये भी सिर्फ इनएक्टिव हैं, ऐसे बना के छोड़े हुए हैं, जब भी आएंगे कर देंगे। अब देखिए, जैसे मुझे किसी भी पेज को एडिट करना है, मान लीजिए कंपनी ओवरव्यू के अंदर गया, मुझे यहाँ पर एडिट करना है, क्योंकि तो मैंने एडमिन पर लॉगिन किया हुआ है, तो सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूँ और ये पूरा पेज अब एडिटर मोड में चला गया है। मतलब मुझे जहाँ पे जो चेंज करना है वहाँ पे क्लिक करो, मैं यहाँ से इनकी फ़ोटो चेंज कर सकता हूँ। मुझे ये डिटेल चेंज करनी है क्लिक करके, कहीं पर भी जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहीं पे वो चीज़ एडिटिंग में आ जाएगी, और मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट कम ज़्यादा करना है, चेंज करने हैं, बोल्ड करना है, जैसे अंडरलाइन किया हुआ है, जो करना है वो यहाँ से हो जाएगा जहाँ पर भी। तो अब देखिए कितना इजी है इसको चेंज करना, ये जो लाइन सी थी इस पर क्लिक हो गया तो इसके लाइन की हाइट वगैरह वो सब बता रहा है, जहाँ मर्जी आप क्लिक कीजिए। जैसे ये फ़ोटो जा गई, इसमें मुझे नई फ़ोटो ऐड करनी है तो मैं क्लिक करूँगा, ऐड हो जाएगी, हटाना हट जाएगी। आप भी सोचिए, अगर मैं आपको एक वेबसाइट के अंदर एक थीम लगा के दे देता हूँ, जिसके अंदर कि आप इतना मैं इसके अंदर करके दे दूँ, तो बाकी तो आप पूरी वेबसाइट खुद से भी बना सकते हो। जो जो आपको क्लाइंट देगा और उसको वो बताएगा मुझे यहाँ पे ये चीज़ लगानी है, यहाँ पे हटानी है, वैसे ऐसे करते चले जाओ। इसके अलावा ये तो भी जो चीज़ लगी लगाई मिली है, आपको खुद से कभी कुछ ऐड करना हो, मान लो क्लाइंट कहते हैं यहाँ पे मुझे यूट्यूब की वीडियो चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे गूगल मैप के अंदर कुछ पेज चाहिए, या फिर मुझे यहाँ पे एक बड़ी फ़ोटो ऐड करनी है, कुछ भी करना है, ये प्लस के निशान आ देंगे आपको, जगह जगह मिलेंगे, आप क्लिक कीजिए,
अब देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट का फॉर्म ऐड कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई फ़ोटो लगानी, टेक्स्ट लगाना, बटन लगाना, ये वो बहुत जो भी पॉसिबल होती है एक वेबसाइट है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। आपको फेसबुक के लाइक वगैरह अकाउंट करवाने हैं, ट्विटर का कुछ भी लगाना है, ठीक है, बटन, यहाँ पे कोई पाई चार्ट वगैरह, प्रोग्रेस बार वगैरह, या फिर कई बार होता है कि अलग अलग टैब बन जाती है, इधर क्लिक करने पे खुला, फिर दूसरे पे क्लिक करने कुछ खुला, कोई ग्रिड बनानी है फोटो के, मीडिया के, कुछ भी, तो आप यहाँ पे सब कुछ भी लगा सकते हो, स्लाइडर वगैरह, गूगल मैप वगैरह, बहुत ऑप्शन है, जैसा आपको चाहिए आप उस टाइप से इसके अंदर आगे चल के कर सकते हैं। और जब आपका यहाँ पे काम हो जाए तो आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करो और वो चीज़ें लाइव हो जाती है। तो इस टाइप से आप अगर मान लो कि किसी का काम भी करोगे या आप अपनी कोई वेबसाइट बनवा के भी दोगे किसी को, तो उसमें के अंदर क्या होगा, हम आपको इतना सब कुछ करके दे देंगे, एक बार जितनी भी बेसिक जानकारी हमें मिलेगी वो हम सारी सारी उसके अंदर डाल के देंगे। फिर कभी क्या होता है कि कोई फ़ोन नंबर चेंज हो गया या फिर कहीं पर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है या कोई फ़ोटो चेंज करनी होती है या बाद में उनको लगता है कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी है, ठीक है, तो वो सारी आप उसी टाइम क्लाइंट के साथ बैठ के भी एडिट कर सकते हो या बाद में घर आके भी कर सकते हो, तो ईजी रहता है एकदम, ठीक है। या फिर एक वेबसाइट आपने बना ली, अब ये एक सीए की वेबसाइट बन चुकी है, ठीक है, कोई इसके अंदर कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा डलवा लेगा जिसके अंदर कि उसके अंदर ब्लॉग वगैरह डालने का हो गया, कुछ भी हो गया, या फिर कोई क्या करेगा इसके अंदर थोड़ी कम करवा देगा, ठीक है, या फिर कोई इसके अंदर कहेगा कि भाई हम तो कुछ कंसल्टेंसी भी देते हैं जिसके अंदर कि इन्वेस्टिंग के प्लान वगैरह है हमारे, वो डाल के दो, ठीक है, तो हम इन्वेस्टिंग के प्लान वगैरह के भी एक और टाइप बना देंगे जिसमें उनके सारे हो जाएंगे, या फिर कोई कहेगा कि कुछ हमारे जो कस्टमर वगैरह हैं उनको चाहिए कि जो हमके डॉक्यूमेंट वगैरह है यहाँ पे वेबसाइट के थ्रू मंगवा लें, ठीक है, हम सीधा सीधा उनको अपलोड के ऑप्शन दें। इससे पहले जब मैंने वेबसाइट बनाई थी उसके अंदर ये ऑप्शन थे कि जिसके अंदर कि उनको कोई भी आईटी वगैरह फिलिंग करनी होती है तो कोई बिल वगैरह होते हैं जो भी होते हैं तो एक पर्टिकुलर मेल या एक फोल्डर को अपने पास मेल करवाते थे, वो उसके अंदर अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, जो कॉन्टैक्ट फॉर्म था उसी के अंदर कॉन्टैक्ट फॉर्म में आप ऐड करवा लीजिएगा, कि जैसे जो इनका जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है यहाँ पे अपने क्या है नाम, ईमेल, सब्जेक्ट और मैसेज है, यहीं पे हम एक फाइल अपलोड का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो ऐड हो जाएगा और उसके हिसाब से, ठीक है। तो इस टाइप से कोई भी सीए की वेबसाइट अपनी बनवानी है, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकता है, आप कोई सीए है जिसको क्या आप वेबसाइट बना के देना चाहते हो तो इस टाइप की वेबसाइट आपको बन जाएगी। और इस वेबसाइट को बनाने में मुझे जो टाइम लगा है वो एक दिन का टाइम लगा है, एक दिन का टाइम भी बस इसलिए लगा कि मुझे डिज़ाइन वगैरह फाइनल करने में, थीम वगैरह सेल करने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगा और जो क्लाइंट थे वो भी अवेलेबल नहीं थे तो मुझे उनको बार बार डिज़ाइन भेजने पड़े, फिर उनकी तरफ से ये वाले डिज़ाइन पे अप्रूवल आया और हमने इस पर काम करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस टाइप की अपनी साइट है, इसके अंदर अभी ये जो टेस्टिमोनियल वगैरह है ये चेंज होंगे, ये तो जो अंदर दिखाते हुए क्योंकि इन्फॉर्मेशन अभी यहाँ पे थोड़ी कम मिली है हमें तो कुछ चीज़ें रिपीट हो रही है, भाई जो कस्टमर के यहाँ पे दिखा रखे हैं वही हमने अबाउट अस में डाल दिए, जब यहाँ पे आएगा तो कहीं भी एक सी जगह से डिलीट करना होगा तो डिलीट कर देंगे, दोनों जगह रखनी है रखे रहेंगे, इस टाइप की वेबसाइट है। ओके, थैंक यू।